हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रेप सिल्क साड़ी ट्रैपिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानी जाती है क्योंकि ये साड़ी बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। सो आज मैं आपको कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ दिखाऊंगी डेली वेयर में ये क्रेप साड़ी को ड्रैप करने का तरीका, जिससे आपका लुक भी स्लिम आएगा और आप स्टाइलिश भी नज़र आएंगी। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज आपको वेयर कर लेना है। अब यहाँ पेटीकोट का नाड़ा मैंने राइट में बांधा है, बट आप चाहे तो मिड में बांध सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नेवर से हमेशा नीचे ही पेटीकोट को बांधना चाहिए। अब हम अपनी साड़ी को ओपन करेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, तो हम साड़ी के नॉन पल्लू साइड से ड्रैप करना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से साड़ी को लेते हुए उसके एंड पार्ट पर आपको जाना है। तो ये मेरी साड़ी का नॉन पल्लू साइड है, सो इस तरीके से आपको लेना है। और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको सेट करना है राइट साइड से। देखिए, मैं टकिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहले राइट में साड़ी के कॉर्नर को टक किया, फिर लेफ्ट में, एंड इसके बाद सामने के पार्ट को हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी सामने की टकिंग हो गई है, अब हम साड़ी को लेते हुए यहाँ पर वन राउंड लेंगे। जब आप सामने की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइटली से खींचना होता है, ताकि बैक साइड में एक्स्ट्रा प्लीटें ना आए। इसके बाद हम राइट साइड में टक करेंगे, फिर बैक के पार्ट को हमें अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। सो इस तरीके से फर्स्ट राउंड की टकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, बाकी साड़ियों को हमें सामने छोड़ना है, केवल पल्लू वाले पोर्शन को हम बैक से घुमाएंगे और इस तरीके से राइट की तरफ हमें निकाल लेना है। आप देख रही हैं, अब जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा है उसे छोड़ देंगे, और ये जो पल्लू का पोर्शन है आपको देखिए इस तरीके से लेना है। वन हैंड जितना मेज़र करना है, इस तरीके से इतना पार्ट मेज़र करने के बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें फोल्डिंग कर लेनी है, यानी आपका हैंड जितना है उतना आपको मेज़र करना है। इसके बाद फोल्ड कर लीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब देखिए, जो फोल्ड वाला पोर्शन आ रहा है ना सामने की तरफ, उसको इस तरीके से पकड़ लेना है। अब यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल प्लीट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शोल्डर की हमें प्लीट बनानी है। आप लेफ्ट राइट कहीं से भी बना सकती है, प्रोसेस सेम ही रहता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप फर्स्ट प्लीट उठाएंगी ना, देखिए ये जो मेरी पहली प्लीट मैं उठा रही हूँ, ये 1 या 1/2 इंच आपको चौड़ी रखनी होती है, एंड इसके अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट हम थोड़ी सी पतली बनाते हैं। एंड यहाँ पर प्लीट बनाने का जो प्रोसेस आप देख सकती है, सामने की 2 फिंगर में फंसाया, बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से प्रेस करते हुए मैं प्लीट बना रही हूँ। लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन आपका राइट की तरफ होना चाहिए, फ्रंट वाला लेफ्ट की तरफ, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम सभी प्लीट को इक्वल करते हुए मिला लेंगे। अब प्लीट को अच्छे से पकड़ते हुए इस तरीके से देखिए हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे हम, एंड चेक करेंगे। अब जो हमारा फोल्डेड पार्ट है उसके आगे थोड़ा सा फैब्रिक को पकड़ के झटक दिया है, ताकि ये डबल लेयर हमारे सिंगल लेयर में आ जाए। इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, और देखिए थोड़ी सी दूरी पे जहाँ प्लीट हमें दिखाई देगी ना, वहीं पर हम साइड से 1 बाय 1 इस तरीके से झटकते हुए अरेंज करेंगे। इस तरीके से अगर आप शोल्डर की प्लीट्स बनाती हैं, फटाफट से बन जाती है। सो यहाँ पर देखिए इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया, इस तरीके से हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है। तो जो लेफ्ट हैंड में हमने फैब्रिक पकड़ा था उसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक ही बार में शोल्डर की प्लीट बन चुकी है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ को हमें चेक करना है, तो यहाँ मैं घुटने से नीचे रखी हूँ। इसके बाद सेफ्टी पिन के हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में सिक्योर करेंगे। तो देखिए, जब भी हम ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन लगाते हैं, ब्लाउज की जो शोल्डर की स्टिचिंग होती है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर सेफ्टी पिन लगाना होता है। इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने से हमारा जो पल्लू है सामने की तरफ बार बार नहीं गिरता है। अब हमारा पल्लू अच्छे से सिक्योर हो गया है, तो जो पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर आ रहा है ना, इसको इस तरीके से देखिए आपको खोलना है। प्लीट को झटक रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद अपने बस्ट एरिया पे सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए इस तरीके से सामने की तरफ आना है, बॉर्डर मुड़े ना। एंड यहाँ पर देखिएगा, राइट हैंड साइड तक फैब्रिक ले जाते हुए मेज़र करेंगे। इतना फैब्रिक जो हमने मेज़र किया से हम छोड़ देंगे, इसके आगे से हमें प्लीटें बनानी है। तो देखिए, पहले साड़ी को मैं झाड़ रही हूँ, इसके बाद स्मॉल फिंगर और थंब से देखिए यहाँ पर मैं साड़ी को पकड़ूंगी। एंड इसके बाद यहाँ पर हम सामने की 2 फिंगर में कैची की तरह करते हुए फैब्रिक को फंसाते हुए फर्स्ट प्लीट उठाएंगे। सेम ऐसे ही अगली प्लीट में उठा रही हूँ। अब 1 बाय 1 हम इसी प्रोसेस से प्लीट को बनाएंगे। सामने के 2 फिंगर में फंसाना है, बैक के स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ते हुए यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1 बाय 1 हम प्लीट बनाएंगे। एकदम आराम से प्लीट बनानी है, अगर आप बिगनर हो तो आराम से बनाइएगा, इजिली से बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब आप प्लीट बना लेंगे तो लास्ट में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है, तो इसकी ज़बरदस्ती की प्लीटें नहीं बनानी है, उसे हम बाद में मैनेज कर लेंगे। प्लीट बन जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर चेक करती हूँ मैं, ताकि प्लीट नीचे तक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए हमारी। अब हम ऊपर से बॉर्डर मिलाते हुए प्लीट को अरेंज करेंगे। बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना है और साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग भी रखना है। ऐसा करने से हमारी प्लीटें काफ़ी अच्छे से नज़र आती है, देखिए इस तरीके से, और नीचे से अनइवन फॉर साइड भी नहीं दिखती है। अब जो फर्स्ट प्लीट है इसे हम ओपन करेंगे। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए फर्स्ट प्लीट को हम चौड़ी करेंगे।
ऐसा करने से हमारा राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो गया और चौड़ी होने से प्लीट हमारी राइट साइड की तरफ जो भागती है चलते वक्त वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब ये जितनी भी प्लीटें हैं इन्हें अच्छे से हम पकड़ लेंगे। केवल जो मेरी फर्स्ट लेयर है ना, देखिए मैंने उसे ऊपर की तरफ नहीं खींचा है, नहीं तो नीचे से फर्स्ट प्लीट उड़ जाती है तो अंदर की अनइवन प्लीट्स नज़र आती है। प्लीट अच्छे से हम पकड़ लेने के बाद यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने मेज़र करके छोड़ा था ना, उसे हटा लेना है और यहाँ पर मेज़र करना है कितना अंदर हमें प्लीट को टकिंग करना है। सो फाइनली वहीं पर मैं साइड से वन बाय वन इन प्लीट को अरेंज कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमारी प्लीट अरेंज हो जाने के बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। इस तरह से टक हो जाने के बाद अब देखिएगा ये जो सामने की प्लीटें हैं ना, ये इधर उधर ना हो इसके लिए इन्हें वन बाय वन अरेंज करके यहाँ पे मैं साड़ी पिन के हब से सिक्योर कर रही हूँ। अगर आपके पास साड़ी पिन ना हो तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकती हैं। अब हमारी प्लीट काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो गई है, ये बिगड़ने वाली है नहीं। और राइट साइड की तरफ जो थोड़ा बहुत ओपन पार्ट है इस तरीके से और ओपन करना है ताकि हमारा हैंड इजीली से जा सके। अब हम पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे। पल्लू के बॉर्डर को अच्छे से बस्ट एरिया पे सेट करते हुए टाइटली से खींचते हुए कमर के पास सेट करना है। कमर के पास आपको अच्छे से सेट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी आएगा उसको देखिए राइट वाले हैंड को राइट की तरफ से इंसर्ट करते हुए लेफ्ट साइड के फैब्रिक को राइट की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से जब आप खींचेंगी तो देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा राइट की तरफ निकल के जा चुका है। और लेफ्ट साइड की तरफ आपको जितना फिटेड रखना है आप टाइटली से खींचिए राइट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैं घुटने तक टाइट रखी हूँ। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ट्विस्ट करके मैंने टकिंग किया है। इसके बाद ये जो ऊपर का फैब्रिक है इसे टक करते वक्त आपको देखना है कि आपकी फर्स्ट प्लीट उठे ना, ना ही राइट की तरफ खिसके। तो जो फैब्रिक जहाँ आपको नज़र आए वहीं पर आपको टकिंग कर लेना है। अब ये टक हो जाने के बाद पल्लू से कवर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप हमारे यहाँ पर फाइनल लुक देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।